वजू जिन चीज़ों से टूटता है उन चीज़ों का ताल्लुक हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, उस जिस्म के चार पार्ट्स अगर बना लें तो चार पार्ट्स से उन चीज़ों का ताल्लुक है। पहला पार्ट जिस्म का सबीलेन है, यानी पेशाब और पाखाने की जो जगह है, दो रास्ते जो हैं, इन दोनों रास्तों से किसी भी चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है, चाहे वो मनी निकले, चाहे वो मज़ी निकले, चाहे वो वदी निकले। मनी, मज़ी और वदी किसे कहते हैं और इनका क्या हुक्म है? आई बटन में एक वीडियो मौजूद है, ऊपर आई बटन में आप वहाँ पर मनी, मज़ी, वदी के फ़र्क को समझ सकते हैं और उनके अहकाम जान सकते हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, चाहे मनी निकले, मज़ी निकले, वदी निकले, इन तीनों चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। और सबीलेन से कुछ भी निकले, पेशाब निकले, पाखाना निकले, कुछ भी निकले, किसी भी चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है। तो हमारे बदन का, हमारी बॉडी का ये पहला पार्ट है, दोनों आगे और पीछे के दो रास्ते, इन रास्तों से किसी भी चीज़ के निकलने से वज़ू टूटता है। हमारी बॉडी का दूसरा पार्ट जिससे वज़ू टूटता है वो है हमारा मुंह। मुंह से वज़ू टूटने की दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर कोई नमाज की हालत में खिल खिलाकर हंसता है, कोई बालिग मर्द, खिल खिलाकर हंसना, ऐसा हंसना कि जिससे हंसने की आवाज़ करीब में रहने वालों को सुनाई दे। एक तो है मुस्कुराना, जिसमें कोई आवाज़ नहीं रहती, उसकी बात नहीं है, खिल खिलाकर हंसना उस हंसी को कहते हैं कि करीब में रहने वालों को आवाज़ हंसने की सुनाई दे। तो अगर कोई नमाज की हालत में हंसता है तो उसका वज़ू टूट जाता है, नमाज तो जाती है, वज़ू भी टूटता है, फिर से वज़ू करना पड़ेगा और नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो मुंह से ताल्लुक़ रखती है वो है मुंह भरकर कह करना, मुंह भरकर उल्टी करना। अगर कोई छोटी सी उल्टी करता है, थोड़ा सा उल्टी आ गई, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। मुंह भरकर उल्टी करना, उस उल्टी को कहते हैं कि भाई इतनी उल्टी आ गई कि अब उसको मुंह में संभाल नहीं सकते, अगर हम संभालना चाहे तो भी नहीं संभाल सकते, वो ऑटोमेटिक अब बाहर निकलेगी, हमारे बस में नहीं है अब उसको मुंह में संभालना, तो उसे मुंह भरकर उल्टी करना कहते हैं। अगर किसी को मुंह भरकर उल्टी होती है तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। तो हमारे बॉडी का ये दूसरा पार्ट था जिससे वज़ू टूटता है। हमारी बॉडी का तीसरा पार्ट जिससे वज़ू टूटता है वो है हमारा सर। सर से वज़ू टूटने की भी दो सूरतें हैं, तीन सूरतें हैं समझ लो आप। पहली सूरत दीवाना हो जाना, कि अगर कोई वज़ू की हालत में था, अचानक से दीवानगी उस पर तारी हो गई, तो अब उसका वज़ू भी टूट जाएगा। दूसरी सूरत नशा का आना, किसी नशा और चीज़ का कोई बंदा इस्तेमाल किया जिससे नशा आ गया, तो नशे के आने से भी वज़ू टूट जाता है। और तीसरी सूरत दिमाग से, जहन से, सर से वज़ू टूटने की बेहोशी का आ जाना। बेहोशी किसी भी वजह से आ सकती है, एक्स वाई जेड किसी भी वजह से बेहोशी आए, इससे वज़ू टूट जाएगा। और हमारे बदन का जो चौथा पार्ट है जिससे वज़ू टूटता है वो पूरा बदन है, कि बदन के किसी भी हिस्से से खून, पीप या फासिद मादा निकल कर किसी पाक जगह पर बह जाता है। एक है निकल कर उसी जगह में ठहर जाना, और एक है उस जगह से निकल कर ज़ख़म से खून या पीप का निकल कर दूसरी जगह अगर बहता है, ज़ख़म की जगह से हटकर दूसरी जगह आस पास की जगह में अगर खून या पीप बहता है तो उससे वज़ू टूट जाता है। और दूसरी सूरत है टेक लगाकर सोना, चाहे आप चित सोए, करवट सोए, डब सोए, या फिर किसी ऐसी चीज़ को टेक लगाकर आप सोएं कि अगर वो चीज़ हटाए तो हम गिर पड़ें, तो ऐसा इस तरह सोने से भी वज़ू टूट जाता है।
तो खुलासा यह है कि चार पार्ट्स हमारे बॉडी के बनाए हैं। एक तो नीचे के गंदगी के निकलने के दो पार्ट्स, एक पार्ट्स दोनों मिलाकर, दूसरा मुंह है, और तीसरा हमारी अक्ल, जहन, दिमाग, कुछ भी बोलो, ये तीसरा पार्ट, और चौथा पार्ट पूरा बदन। तो इनसे जो सूरतें मैंने आपको बताई, इन सूरतों में से कोई भी एक सूरत अगर ज़ाहिर हो जाती है तो फिर वज़ू टूट जाता है।